ड्रग्स केस में 26 दिनों बाद जेल से रिहा हुए आर्यन खान फ्राइडे को एक बार फिर से एनसीबी ऑफिस नजर आए आर्यन खान। 7 दिन बाद दुनिया को दिखे आर्यन की झलक। हेलो, मेरा नाम है प्रियंका एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी ऑनलाइन। और आज बात इसी पर होगी कि एनसीबी के दफ्तर में आर्यन खान के साथ क्या क्या हुआ। अरे आराम से दरअसल आर्यन खान जिन 14 शर्तों के साथ जेल से रिहा हुए हैं उनमें से एक शर्त ये है कि उन्हें हर फ्राइडे 11 से 2 के बीच में एनसीबी के दफ्तर अपनी अटेंडेंस लगाने आना ही पड़ेगा। और आज उनका पहला शुक्रवार था जिसके बाद आर्यन एनसीबी ऑफिस पहुंचे। वैसे सिर्फ आर्यन खान ही नहीं, मुनमुन भी अपनी अटेंडेंस एनसीबी ऑफिस लगाने पहुंच गई थी। वेल, आर्यन खान के साथ एनसीबी ऑफिस उनके मॉम डैड यानी शाहरुख गौरी नहीं बल्कि बॉडीगार्ड रवि साथ पहुंचे थे। और जैसे ही आर्यन एनसीबी के दफ्तर पहुंचे मीडिया ने उन्हें घेर लिया और करने लगे उनसे कई सारे सवाल। बट अकॉर्डिंग टू क्लॉज आर्यन मीडिया से अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे, यानी मीडिया के सवालों के सामने आर्यन एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एनसीबी ऑफिस आर्यन तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास उन्होंने एनसीबी ऑफिस में वो अपना वक्त बिताया था। आर्यन ने रजिस्टर पर साइन किए, उनसे कुछ सवाल जवाब भी वहां पर किए गए। अब अंदर क्या सवाल जवाब हुए वो तो देखो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही उनकी लिस्ट सामने आएगी हम उस पर एक वीडियो आपको बनाकर जरूर दिखाएंगे। मुंबई के आर्थर रोड जेल में करीब 26 दिन बिताने के बाद आर्यन 30 अक्टूबर को जेल से रिहा हुए थे। दरअसल आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिले थे, लेकिन एनसीबी ने कोर्ट में इस बात का दावा करते हुए कहा था कि उनके व्हाट्सएप चैट्स जो है वो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि उनका और ड्रग्स का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ऑल्दो हाईकोर्ट का कहना था कि व्हाट्सएप चैट इस बात को साबित करने के लिए काफी नहीं है कि आर्यन को ड्रग्स की सप्लाई वो करते थे। अब आर्यन बाहर तो आ गए हैं, लेकिन एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की परमिशन के बिना मुंबई भी नहीं छोड़ सकते, मीडिया से किसी भी तरह के सवाल जवाब वो नहीं कर सकते हैं। और ऐसी कुल 14 शर्तें हैं जो हाईकोर्ट ने आर्यन खान की रिहाई के वक्त तय की है। और अगर आर्यन खान कोई भी नियम तोड़ते हैं तो एनसीबी के पास पूरा अधिकार है कि वो आर्यन की जमानत अर्जी खारिज करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वैसे 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे भी था, लेकिन बर्थडे ना इस बार काफी ज्यादा सूखा रहा। जहां हर साल शाहरुख अपने घर मन्नत पर उनकी बालकनी पे आकर अपने फैंस को वेव करते थे और उन्हें अपनी झलक दिखाते थे, लेकिन इस बार ना ये रिचुअल टूट गया। मन्नत की जगह अलीबाग के बंगले में परिवार ने शाहरुख का बर्थडे बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया। बाकी आपके क्या व्यूज है डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एनबीटी एंटरटेनमेंट।